हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन टेक्निकल ज्ञानी, आपके अपने चैनल टेक्निकल ज्ञानी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड दोस्तों, मैं आज आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि टेक्निकल ज्ञानी को जो भी सपोर्ट, जो भी प्यार आपने दिया है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हम अपनी तरफ से भी प्रॉमिस करते हैं कि हम इस प्यार को हमेशा बना के रखेंगे और आपको हमेशा बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको शो कर दूं कि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का जो राउटर है, मैं उसको आपको यहाँ शो करना चाहूंगा, आप ये देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसी वीडियो के बारे में डिटेल में, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरह से हमें सपोर्ट करते आए हैं तो आप हमें सपोर्ट करते रहे। सो हाय फ्रेंड्स, आई एम शिवानंद एंड आज मैं आपको इस एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर के बारे में सारा कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो आपको राउटर प्रोवाइड होता है, ये आपको नोकिया कंपनी का प्रोवाइड होता है। यूजुअली हर सिटीज में आपको नोकिया का राउटर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, अनफॉर्चुनेटली इसकी अवेलेबिलिटी के शॉर्ट होने की वजह से आपको हुआवे कंपनी का राउटर प्रोवाइड हो रहा है। बट बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, नोकिया का जो राउटर है, इसका बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन बहुत ही बेटर है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन की। अगर आप इसको इंस्टॉल करने का मन बना रहे हैं तो आपको इसको कनेक्शन लेने के, फ्रेंड्स वैसे तो अगर आप चाहे तो ऑनलाइन में एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सर्च करते हैं तो आपको सामने ऑप्शन आ जाएगा और वहां पे फॉर्म फिलअप करके आप सबमिट कर देते हैं तो एयरटेल की तरफ से आपको कॉल बैक आ जाता है और बहुत ही जल्दी से। तो एयरटेल की तरफ से कुछ टेक्नीशियंस आपके यहाँ आते हैं और वे अप्रोक्स दो से तीन चार टेक्नीशियन आपके यहाँ आएंगे और मे बी की सर्विस प्रोवाइडर आपसे संपर्क करेगा। इसके बाद में अगर आपकी उनसे बात हो जाती है और आप एक्सट्रीम फाइबर को लगवाना चाहते हैं तो आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की सर्विस एंड चार्जेस देने पड़ेंगे। बात कर लेते हैं इसकी सर्विसेज एंड चार्जेस की। आपको मैंने तो बता दिया कि 500 रुपीज का बेसिक प्लान है, बट उसके अपर में क्या है, बेसिक प्लान में आपको क्या कुछ प्रोवाइड होगा, लेट मी टेल यू गाइस कि आपको 40 Mbps की स्पीड एयरटेल प्रोवाइड करता है, तो जो कि बहुत ही सफिशियंट स्पीड है आपके लिए, बहुत ज्यादा स्पीड है, 40 Mbps बहुत स्पीड होती है। सो गाइज, लेट मी टेल यू इन द डिटेल। बिगिनिंग में अगर आप बेसिक प्लान लेना चाहते हैं 500 रुपीज का, तो उसके लिए अगर आप 1 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज सर्विस चार्जेस प्रोवाइड करने होते हैं। और आपको साथ ही में अगर आप वाईफाई लेते हैं तो उसके साथ में आपको लैंडलाइन का ऑप्शन भी मिलता है राउटर में, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं लैंडलाइन और कॉलिंग भी कर सकते हैं। 3.3 TB अर्थात 3300 GB डाटा मिलता है मंथली के लिए, जो कि क्वाइट एडिक्वेट एंड इनफ है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 799 में आपको जो स्पीड प्रोवाइड होती है वो अप टू 100 Mbps प्रोवाइड होती है, और मैं इसका स्पीड टेस्ट आपको शो करूंगा। 100 से ऊपर स्पीड मिलती है आपको, नीचे तो कोई सवाल ही नहीं, 105, 10 और 20 के प्रॉक्स स्पीड इसकी प्रोवाइड होती है एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर। तो इलेक्ट्रिक पोल से अगर आपका घर या ऑफिस 100 मीटर के विद इन दायरे में आता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको 1000 चार्जेस लगेंगे अगर आप 3 मंथ्स का प्लान नहीं लेते। अगर आप 3 मंथ्स का प्लान लेते हैं तो आपको कोई भी, अच्छी बात यह है कि वो 1000 का जो चार्जेस है आपको नहीं लगेंगे और उसके साथ ही आपको वहां पे थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। और हाँ, अगर आप 3 मंथ्स का प्लान ले रहे हैं क्योंकि आप 1000 रुपए को सेव करना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब भी इसकी नेक्स्ट रिचार्ज डेट हो तो उससे पहले ही आपको बेसिक प्लान में स्विच कर लेना है, अदरवाइज आपका कनेक्शन फिर 3 मंथ्स के लिए 799 का हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले से ही उस प्लान को 2-4 दिन पहले से स्विच कर लेना है। और आपको ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि वे कैश नहीं लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसका लाइव डेमो स्पीड टेस्ट का। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको टेस्ट पे लगा दिया, अभी ये सर्च हो रहा है, स्पीड टेस्ट हो रही है क्या स्पीड आपको ये प्रोवाइड करता है। तो लैपटॉप की स्पीड टेस्ट करके हम आपको पहले शो कर रहे हैं। 119.73 की ये
अपलोड स्पीड प्रोवाइड करता है, तो ये लैपटॉप में स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। और अब देख रहे हैं हम मोबाइल में देखेंगे, तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसकी मोबाइल टेस्टिंग में आपको 104 Mbps और 125 Mbps की अपलोड स्पीड प्रोवाइड करता है। सो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एयरटेल एक्सट्रीम कुछ इस तरह से आपको डिवाइस इटसेल्फ दिखाई देता है, इस तरह से अपीयरेंस है। तो मैं आपको इसको ओवरऑल पूरा डिवाइस दिखा, एज यू कैन सी हियर पावर्ड बाई नोकिया, और नोकिया का एक आज भी भरोसा है, बहुत ही अच्छी सर्विसेज नोकिया की प्रोवाइड करता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ, जैसे इसका प्लास्टिक बहुत ही टफ है, अगर ये गिर भी जाता है तो इसमें कुछ भी इम्पैक्ट ईजिली नहीं पड़ने वाला है। अब हम इसके रेयर साइड में देख लेते हैं किस तरह से इसमें पोर्ट्स प्रोवाइडेड है। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ है कि ये कॉर्ड लगी हुई है जिसके थ्रू हम इसको कनेक्शन देते हैं। आपको नोकिया के बैजिंग यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ वाईफाई लिखा हुआ है, और यहाँ आप देखें तो ये टेलीफोन वन, और यहाँ से आप बिगनिंग है। ऑन ऑफ का एक स्विच यहाँ पे आपको प्रोवाइड होता है, साथ ही में रीसेट बटन है, रीसेट स्विच है, WPS है, एंड पावर यहाँ से आप जो भी पावर सॉकेट है, पावर की लीड यहाँ पे लग जाती है। और ये लैंस है, लैन 1, 2, 3, 4 एंड टेलीफोन 1 एंड 2, 2 का स्लॉट इसमें प्रोवाइडेड नहीं है, ये USB के लिए आपका ऑप्शन है। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।